यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? सबकी जॉब लग चुकी है और हम दोनों अभी तक वेले बैठे हैं। अबे क्यों टेंशन ले रहा है? सब सही होगा, तेरा भाई तेरे साथ है। यार अभी तक तो मैंने सोचा भी नहीं है कि क्या करना है। अच्छा बता, तेरे को क्या बनना है? सोच रहा हूँ पुलिस में भर्ती हो क्या क्या जाऊं। क्या क्या क्या? पुलिस? शक्ल देखी है अपनी? एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने में तेरे एल लग जाएंगे। एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट? स्पेलिंग बताइयो। यार वो कल इंटरस्टेलर देखी थी ना, फील आ गई। अच्छा, ओ, तभी मैं समझू। लास्ट वीक हमने दबंग देखी थी, इसलिए तुझे पुलिस में जाना था। हाँ यार, तूने इंटरस्टेलर देख ली, एस्ट्रोनॉट बनना है। मैंने परसों रागिनी एमएमएस देखी थी, पॉर्न स्टार बन जाऊं। उफ कम यार, ये तो बेस्ट आइडिया यार, मजा आ जाएगा। उसमें तो ना शक्ल दिखानी होती है, ना एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तू पागल है क्या भाई? अगर हौसले बड़े हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसमें सिर्फ हौसला बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए बड़ा। और मैं तेरे साथ बचपन से हूं, अंगूर वाले, समझा? यार ऐसे कैसे, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, रिलैक्स कर, तेरा भाई तेरे साथ है। यार कितनी ऐश करें यार, कॉलेज से पास आउट हुए 2 साल हो गए, जिसको देखो या तो जॉब कर रहा है या शादी कर रहा है, और मैं यार टॉरेंट से मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स सब कॉलेज ड्रॉप आउट थे, आज देख एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। बेटा तेरा एमबीबीएस का रिजल्ट आ गया। तेरा भाई तेरे साथ है, तेरा भाई तेरे साथ है। धोखेबाज, तूने कभी एग्जाम दिया? मुझे क्यों नहीं बताया? तूने तो मुझे बोला था तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए नहीं मिल सकता। इतना बड़ा धोखा मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा टेंशन मत ले, फेल हो गया है। क्या क्या? अब हम क्या करेंगे यार? वही बन जाए। भाई क्या हो गया? यार मुझे छोड़ के चली गई बेंच। हैं? क्यों? अभी तो तुम्हें बस 20 दिन हुए थे। कहती तुम बहुत बेंचो बेंचो करते हो। बात तो सही है यार, आदत है मेरी बेंच। पर हुआ क्या? उस दिन हम स्टारबक्स में बैठे हुए थे, मैंने वेटर से कहा गेट मी टू जावा चिप्स बेंच। कहती तू वेटर से गालियां देके बात कर रहा है? मैंने कहा डार्लिंग बेंच मेरी आदत है। बेंचो डार्लिंग? कहती तू मुझे भी गाली दे रहा है और थप्पड़ मार के चली गई। चल कोई बात नहीं, तुझे तो वैसे ही 1 महीने में 10 बार सच्चा प्यार हो जाता है। यार ये वाला 95% सच्चा था बेंच, और बाकी 5% 5% बेंचो खा गया ना यार। यार मुझे देख, मेरा 2 साल से चल रहा है, इसको कहते सच्चा प्यार। अच्छा तेरा प्यार प्यार, मेरा प्यार मियाँ खलीफा। मियाँ खलीफा? मियाँ खलीफा ये कौन सी बहन जी है? पापा बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। ओह बिजनेस वुमन, अच्छा किस चीज का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वाह भी वाह। काहे का? अंकल हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क वो कंप्यूटर में लगता है ना। हाँ वो हार्ड डिस्क। हाँ हार्ड डिस्क का बिजनेस कुछ नया लगता है नहीं? अच्छा ये बुर्ज खलीफा भी इन्हीं का है? नहीं अंकल, बुर्ज खलीफा तो हमारा है। तुम्हारा है मतलब? वाह भी वाह, आजकल के लड़कों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोच रहा हूँ मैं भी रिटायरमेंट के बाद हार्ड डिस्क का बिजनेस शुरू कर दूँ। अंकल फिर तो देर हो जाएगी, तब तक तो आपका सॉफ्ट डिस्क हो जाएगा। क्या? चुप हो जा। हेलो वर्मा साहब। हाँ रिटायरमेंट के बाद का प्लान हो गया। हाँ अरे हार्ड डिस्क का बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ मियाँ खलीफा जी भी उसमें है। हाँ महिला है।